हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सेवन्थ क्लास के बच्चों को मैं यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा चुका हूँ फर्स्ट डे में, आज आपका सेकंड डे है जिसमें यूनिट नंबर 3 के 4 वाले क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आफ्टर दैट सभी बच्चे अपने यूनिट नंबर 3 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें आपको फाइंड इट्स वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है जिसका सी वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखो बच्चों, करना क्या है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, ये पावर पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले पावर में है 5 और वो भी माइनस है, तो उसका 5 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, समझ में आया। तो इसमें इस नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो जैसे आपका 4 है और इसके ऊपर -1 चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये उल्टा कर देते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको उल्टा कर देते हैं हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो, और मैंने ये 5 बार तो लिख दिया इसके अकॉर्डिंग, बट हमें आगे करना क्या है, इसमें इनवर्स कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, इनवर्स बोलते हैं इस वाले को, ठीक है। अब अगर आप इस टाइप से सीरियल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप ना लिखना चाहें तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, और वो तरीका है इस टाइप का, ठीक है, वो ये है कि इस माइनस का जब आपकी कोई वैल्यू है तो इसको उल्टा कर देना है आपको, क्या कर देना है, उल्टा। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इस माइनस के स्थान पे क्या किया हमने, इस वैल्यू वाले वैल्यू को उल्टा किया है ना, समझ में आया क्या होगा। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसमें सीधा, ठीक है, क्या करना है, 64 64 और 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इससे 3 और 3 9 हो गया, 3 और 3 9 हो गया पॉजिटिव, और ये माइनस की हो गया, समझ आया सभी बच्चों की में, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको इसमें, 35 8 से 48 48 3 51, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, समझ आया। अब आगे क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई कर देना है इधर, इसका मल्टीप्लाई कर दे 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, समझ में आया होगा सभी बच्चों की में। तो ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बी वाला, 11/15 की पावर 2 है, ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया सॉल्यूशन, इसमें कोई माइनस तो है नहीं, उल्टा तो करने नहीं है हमें, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है, ये 121 हो जाएगा और ये 225, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट करने हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें,
फाइव और सिक्स और सेवन ये वाले क्वेश्चन में खुद कराऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। और ये जितना वर्क है ये नोटबुक में कर लें आप, और वो नोटबुक स्कूल में सबमिट कराएं ताकि हम चेक कर सकें। धन्यवाद।